नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आज 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में RG Kar हॉस्पिटल रेप एंड मर्डर कांड की 6ठी बार सुनवाई हो रही है। 30 सितंबर को 5वीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से 15 अक्टूबर तक सरकारी अस्पतालों में CCTV का काम पूरा हो जाने की बात कही गई थी। आज अपने स्टेटस रिपोर्ट में CBI क्या दी है, क्या कुछ नया है उसमें, या पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों का क्या कुछ पालन हुआ है, या क्या कुछ उसकी स्थिति अभी तक है, इस पर बहस जारी है। अब देर रात तक या देर शाम तक सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है, उस पर सबकी नजर और निगाह बनी हुई है। वहीं स्वास्थ्य भवन में जूनियर डॉक्टरों से बैठक में मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा था कि कुछ काम बाकी है, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम शुरू हुए हैं। यानी इसी से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कितना पालन हुआ है अंदाजा लगाया जा सकता है। बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर भी काफी निराश व हताश नजर आए थे और कहा था कि सिर्फ कोरे आश्वासन के अलावा ऐसा कोई ठोस बात नहीं बताई जा रही है कि आखिर यह स्थिति कब जाके सुधरेगी और ऐसे माहौल में किसी भी सरकारी अस्पताल में कामकाज करना बहुत ही मुश्किल व दूभर काम है। जहां तक मुख्य सचिव मनोज पंत की बात करें, मुख्य सचिव मनोज पंत अपने सिरे से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति को सामान्य बनाया जाए, लेकिन हो सकता है उनके साथ भी कुछ मजबूरियां हो या ऐसा उनको कुछ ऊपर से दिशा निर्देश मिल रहा हो जिसके चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे हो। डॉक्टरों के संघ यानी डॉक्टरों के 12 संगठनों के संग भी उन्होंने एक बैठक की। उस 12 संगठनों से हर संगठन से दो दो व्यक्ति आमंत्रित थे, यानी कुल 24 लोगों के साथ उनकी यह बैठक थी। उस बैठक में गृह सचिव नंदनी चक्रवर्ती भी मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग के कई सारे अधिकारी मौजूद थे, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम उस बैठक में मौजूद नहीं थे। दरअसल 10 सूत्री मांग जो जूनियर डॉक्टरों की है, उसमें एक मुख्य मांग ये नारायण स्वरूप निगम को उनको पद से हटाए जाने की भी है और वो उस बैठक में मौजूद नहीं थे। दरअसल इस मकसद से वो मौजूद नहीं थे कि उनके बारे में ही बातें होंगी, लेकिन मुख्य सचिव ने बाद में बताया कि दिल्ली में जो CBI की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है, इस सिलसिले में वह दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन इसके पहले किसी भी सुनवाई में नारायण स्वरूप निगम दिल्ली नहीं गए थे। खैर, जहां तक बैठक का सवाल है, इस बैठक में 12 संगठनों के संग तो बैठक हुई, लेकिन जूनियर डॉक्टर का कोई प्रतिनिधि आमंत्रित नहीं था, जबकि जूनियर डॉक्टर ही शुरू से यह आंदोलन और अमरण अनशन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में तो जूनियर डॉक्टर है। खैर, बैठक शुरू होने के पहले ही जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि देवाशीष हलदार ने कहा था कि हम लंबे समय से आंदोलन और अनशन कर रहे हैं, लेकिन हमें बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। हमारे बिना इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और हुआ भी वही, बैठक के बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पहले तो जूनियर डॉक्टर निराश थे, उसके बाद सीनियर डॉक्टर भी निराश हुए, या यूं कहें कि जो डॉक्टरों के जो 12 संगठन वहाँ बैठक में मौजूद थे, सभी के सभी निराश हुए। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, यानी जो जूनियर डॉक्टरों की जो 10 सूत्री मांग है, उन 10 सूत्री मांगों में 7 के लिए तो हामी भर रहे हैं, लेकिन वो 3 के लिए हामी नहीं भर रहे हैं, या यूं कहें कि इसके लिए उठ के टाइमलाइन भी देने को तैयार नहीं है, सीधा नो टाइमलाइन। दरअसल जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम और साथ ही श्रीरामपुर के विधायक डॉक्टर सुदीप्तो राय जो कि राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के सदस्य भी हैं, उनको भी उस राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के सदस्य पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार शायद तैयार नहीं दिख रही है। शायद यही कारण है कि वह टाइमलाइन देने को तैयार नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि एक तरफ राज्य सरकार पुलिस कमिश्नर को हटा दी, विनीत गोयल को, DCP नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को हटा दी, लेकिन जब इन दोनों को हटाने की बात आ रही है तो आखिर राज्य सरकार क्यों ऐसा कर रही है, यह समझ से परे की चीज है। बहरहाल
डॉक्टरों के अनुसार जब तक उनकी 10 मांगों में को नहीं मान लिया जाता है या पूरा नहीं होता है तब तक सामान्य स्थिति की उम्मीद करना व्यर्थ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राज्य सरकार डॉक्टरों से विरोधियों जैसा सलूक क्यों कर रही है, जबकि विरोधी भी अगर राज्य सरकार के पास कोई ज्ञापन देने या डेपुटेशन देने जाता है तो उसकी बातों को सुना जाता है, लेकिन यहाँ तो अब बैठक में जूनियर डॉक्टरों को ही आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कहा जा सकता है। दरअसल अगर पार्टी प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष की बात कोई सुने तो कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर राजनीतिज्ञों की तरह आचरण कर रहे हैं, तो अगर यदि वो राजनीतिज्ञों की तरह आचरण कर रहे हैं तो राजनीतिज्ञ भी तो जाके ज्ञापन और डेपुटेशन देते ही हैं और उसको भी सरकार सुनती है, इसमें हर्ज क्या है। बहरहाल फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।